तो यूपी से बाहर आते ही मानो अतीक अहमद की सांसों में सांसें आ गई हैं। मानो अतीक को करार मिल गया है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे गुजरात के नजदीक आते ही अतीक की बॉडी लैंग्वेज ही मानो बदल गई, उसका चेहरा खिल गया। राजस्थान के कोटा में अनंतपुरा पुलिस स्टेशन में जब अतीक का काफिला रुका था, ये तस्वीरें उस समय की हैं। यहाँ फ्रेश होने के बाद मानो अतीक का मन भी हल्का हो गया। वो हाथ हिलाकर मीडिया को इशारा करता है एकदम अपने वाले स्टाइल में, फिर वो मुस्कुराता हुआ पुलिस वालों से बतियाता आगे बढ़ता है। इस दौरान अतीक से बात करने वाले पुलिस वाले भी कुछ मुस्कुराते से नजर आते हैं। तस्वीरें करीब 10:30 बजे की हैं। वहीं इसे करीब 4 से 5 घंटे पहले 6 बजे की तस्वीरें भी देख लीजिए, जब अतीक राजस्थान के बॉर्डर पर एंटर किया था। उस वक्त वो गाड़ी से उतरते वक्त हाथ जोड़ता नजर आया था और लघु शंका का इशारा करता। हालांकि इस दौरान वो काफी थका और बेचैन सा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका काफिला अब गुजरात के करीब पहुंचता जा रहा है, अतीक की भाव भंगिमाएं भी बदलती जा रही हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट में 10 मिनट के ठहराव के बाद अतीक की गाड़ी पूरी रात तेजी से भागती ही रही, ना झांसी में कहीं रुकी और ना ही ये काफिला मध्य प्रदेश में। वही रात घुप अंधेरे में अतीक का वज्रवाहन चलता रहा और सीधा सुबह करीब 6 बजे राजस्थान के बारा में जाकर अचानक से रुका, जहां गाड़ियों में डीजल डलवाया गया। और इस दौरान अतीक अहमद भी गाड़ी से निकला फ्रेश होने के लिए, नित्य क्रिया के लिए। और इस दौरान अतीक अहमद के हाथ में अखबार भी होता है। आपको बता दें कि कल प्रयागराज MP MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद के अलावा खान, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं सजा के बाद दोपहर 3:30 बजे अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया था, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया। 5 घंटे तक वो प्रिजन वैन में ही जेल के गेट पर खड़ा रहा और देर शाम पुलिस उसे साबरमती जेल ले जाने के लिए रवाना हो गई, जो खुद अतीक भी चाहता था कि वो जल्द से जल्द साबरमती जेल पहुंच जाए। गुजरात के करीब पहुंचने पर अतीक के तेवर पर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कोटा